बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को सामने लाने वाले पत्रकार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने वाले मामले में यूपी की योगी सरकार अब उस पत्रकार के पीछे पड़ गई है जिसने ये मामला उजागर किया था। यूपी की मिर्ज़ापुर पुलिस ने स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल समेत तीन लोगों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। FIR मिर्ज़ापुर के खंड विकास अधिकारी प्रेम शंकर राय की तहरीर पर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीयूर के प्राथमिक स्कूल की घटना में एक ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि राजकुमार ने साजिश के तहत वीडियो बनवाकर उसे वायरल करवाया। मिर्ज़ापुर पुलिस अब इन आरोपों की जांच में जुट गई है। बीते दिनों मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद योगी सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। तब जिले के DM अनुराग पटेल ने आनन फानन में स्कूल के टीचर और एक अधिकारी को निलंबित कर दिया था, मगर यूपी सरकार अब उस पत्रकार के ही पीछे पड़ गई है जिसने बच्चों को नमक रोटी खिलाने वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।